आजकल चारकोल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाने लगा है। स्किन केयर में चारकोल फेस पैक, चारकोल फेस वॉश ट्राई करने के बाद चारकोल टूथपेस्ट यूज करने का ट्रेंड भी आम हो गया है। ऐसे में चारकोल टूथपेस्ट का ट्रेंड फॉलो करने से पहले इसके फायदे और साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। चारकोल प्रोडक्ट्स आजकल काफी ट्रेंड में है। स्किन केयर से लेकर डेंटल केयर तक चारकोल प्रोडक्ट्स के अलग अलग ब्रांड मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। मगर क्या आप चारकोल टूथपेस्ट से रिलेटेड इन जरूरी बातों को जानते हैं? नमस्ते व्यूअर्स, मैं डॉक्टर चैताली डेंटल टॉक इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चारकोल टूथपेस्ट में एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लकड़ी और नारियल के छिलके की मदद से नेचुरली बनाया जाता है। लेकिन चारकोल टूथपेस्ट दांतों के लिए किस तरह से फायदेमंद है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इन बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं चारकोल क्या होता है, फिर हम जानेंगे क्या दांतों को साफ करता है चारकोल टूथपेस्ट, क्या दांतों में चमक लाता है चारकोल टूथपेस्ट, चारकोल टूथपेस्ट के साइड इफेक्ट्स और चारकोल टूथपेस्ट को घर पे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले जानते हैं चारकोल क्या होता है। व्हाट इज चारकोल? ब्यूटी या टूथपेस्ट प्रोडक्ट्स में सिर्फ चारकोल का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इसमें एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल एक खास पाउडर होता है जो लकड़ी, नारियल के खोल और कुछ दूसरे प्राकृतिक तत्वों को मिलाकर बनाया जाता है। इन सभी चीजों को मिलाकर बहुत ज्यादा हीट के बीच ऑक्सीडाइज किया जाता है। ज्यादातर बार चारकोल का इस्तेमाल टॉक्सिन्स को एब्सॉर्ब करने के लिए किया जाता है। फिर अब हम देखेंगे क्या दांतों को साफ करता है चारकोल टूथपेस्ट। वैसे तो चारकोल टूथपेस्ट में मौजूद एक्टिवेटेड चारकोल दांतों के इनेमल यानी कि आउटर सरफेस को बखूबी साफ कर सकता है। हालांकि चारकोल टूथपेस्ट द्वारा दांतों की इनर सरफेस को साफ करने के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है और कुछ हद तक बैड ब्रीथ से भी छुटकारा दिलाने में यूज होता है। क्या दांतों में चमक लाता है चारकोल टूथपेस्ट? एक्टिवेटेड चारकोल मुंह में पीएच को बैलेंस करके न केवल दांतों में चमक लाता है बल्कि ओरल हेल्थ को भी बढ़ावा देता है। आप इससे कैविटीज, बैड ब्रीथ एंड गम डिसीजेस से राहत पा सकते हैं। हालांकि एक हफ्ते में 3 या फिर 4 से अधिक बार इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं चारकोल टूथपेस्ट के साइड इफेक्ट्स। चारकोल टूथपेस्ट इनेमल को साफ रखने के अलावा इसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। चाय, कॉफी और रेड वाइन जैसे कुछ कॉमन ड्रिंक्स दांतों पर अपने निशान छोड़ जाते हैं। ऐसे में नियमित रूप से ब्रश करने पर इन निशानों को आसानी से मिटाया जा सकता है। मगर चारकोल टूथपेस्ट दांतों की पूरी तरह से सफाई करने में असमर्थ होता है, जिसके कारण दांतों के निशान वैसे के वैसे रह जाते हैं। चारकोल दांतों की सफाई रगड़ कर करता है, इसीलिए इससे इनामल को नुकसान पहुंचा सकता है और दांत पीले लग सकते हैं। वैसे भी ये इनामल के नीचे सफाई नहीं करता है। एक दिक्कत और है, चारकोल टूथपेस्ट बनाने वाले ज्यादातर ब्रांड फ्लूराइड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि यही फ्लूराइड कैविटीज से बचाता है। यही वजह है कि रोज चारकोल टूथपेस्ट का इस्तेमाल से दांत कमजोर हो सकते हैं। चारकोल के छोटे छोटे पार्टिकल्स दांतों के बीच की गैप में फंस जाते हैं और लंबे समय तक ऐसा होने से प्लाक बन सकता है और ओरल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। अब हम जानेंगे चारकोल टूथपेस्ट घर पर कैसे बनाएं। सबसे पहले एक्टिवेटेड चारकोल की एक गोली या कैप्सूल ले लीजिए। अगर कैप्सूल है तो अंदर की पाउडर एक बोल में निकाल लीजिए। गोली है तो उसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए और उसमें 5 ml के करीब कोकोनट ऑयल ऐड कीजिएगा और पेस्ट जैसे बना लीजिए। अगर आप चाहे तो इसमें पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल से दांतों की सफाई अच्छे से होती है। ध्यान रहे कि पेस्ट एकदम बारीक होनी चाहिए। अब इसे अपने दांतों पर
स्मूथ ब्रश की मदद से लगा लीजिए और 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। बाद में पानी से गागल कर लीजिए और मुंह धो लीजिए। लेकिन बाद में फ्लॉसिंग करना ना भूलिएगा, क्योंकि चारकोल के स्मॉल पार्टिकल्स दांतों के बीच में फंस जाते हैं और ये ओरल हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। चारकोल टूथपेस्ट का यूज़ हफ्ते में 2 या फिर 3 बार ही करें। हर रोज चारकोल टूथपेस्ट यूज़ करने से दांतों का आउटर लेयर यानी कि इनामल को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए डेंटिस्ट की सलाह लेकर ही किसी भी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें और दांतों की हेल्थ का ध्यान रखें, ना कि ट्रेंड को फॉलो करके ओरल हेल्थ बिगाड़े। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।